नमस्कार, मैं पूनम सागर। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 TV एवं पॉजिटिव न्यूज़। आज हम मौजूद है जिला पलवल के गांव रायदासका में। आइए हम यहां के डिपो होल्डर से बात करते हैं कि कौन से कार्ड पर कितना राशन वितरित कर रहे हैं। आप अपने पूरे परिचय के साथ बताइए कि कौन से कार्ड पर कितना राशन आप वितरित कर रहे हैं। हम WAY कार्ड पर 25 किलो गेहूँ और 10 किलो बाजरा एक है, और PM वाला है जो वो है पर आदमी से 5 किलो। और भी का क्या नाम है? सुमित कुमार है, गांव रायदास के डिपो होल्डर। लाइसेंस नंबर 772। और बाकी जो BPL कार्ड है, SBPL और CBPL, उन पर आदमी के हिसाब से 5 किलो, 3 किलो गेहूँ और 2 किलो बाजरा। और जो पर आदमी 5 किलो गेहूँ जो PM वाला है वो है 5 किलो पर आदमी से गेहूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है कि राशन पीछे से कम आया हो? नहीं, राशन कोई पीछे से कम नहीं आया। जो तोल वोल थोड़ी बहुत घटती है वो ही कम होता है, बाकी वैसे पूरा आता है राशन। यदि कोई कार्ड धारक बिना मास्क के आता है, आप उसको राशन देते हैं? हाँ, मास्क लगवा कर देते हैं, कुछ वापसी भेज देते हैं उनको। स्थानीय कार्ड धारकों से या प्रशासन से कुछ अपील करना चाहेंगे? अपील करना ये है, सभी जनता जो कार्ड धारक हैं वो सभी इस बाजरे से आनाकानी कर दें। बाजरे से रजाबंद नहीं है, और तेल जो बंद किया है तेल के लिए सब इच्छुक हैं। हाँ, कार्ड कितने हैं आपके पास? कार्ड हमारे पास 700 के आसपास हैं, 694। आइए हम यहाँ के कुछ स्थानीय कार्ड धारकों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है। कौन सा राशन कार्ड है? मेरा ये SBPL है। क्या क्या मिलता है राशन? राशन अब तक तेल मिलता था, चीनी, दाल और चने, तेल और वो चना भी पहले बंद हो गया, गेहूँ वगैरह। हाँ, टाइम पे मिलता है वो। कुछ बोलना चाहोगे? ना, ये BPL वाले हैं। हाँ जी, टाइम पे मिलता है। गेहूँ है, बाजरा है और चीनी है। सुमित कुमार। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रमेश। कौन सा राशन कार्ड है? SBPL। डिपो होल्डर का क्या नाम है? सुमित। क्या क्या राशन मिलता है आपको? अब तो हमें बाजरा मिले और गेहूं मिले, चीनी मिले, तेल काट दिया, दाल काट दी, नमक काट दिया, कुछ भी ऐसा वो तो है ही ना। जो मिलने को सौदा वो तो मिल ही ना रहे हो, कुछ मिलना चाहिए वही सौदा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मतिया जी। कौन सा राशन कार्ड है? BPL का जी। डिपो होल्डर का क्या नाम है? अब नाम तो न जाने। कौन सा क्या क्या राशन मिलता है? ये गेहूँ है, तेल, अब तेल बंद हो गया, नमक भी बंद हो गया है। अब गेहूँ बाजरों भी बेकार, गर्मी में क्या खा रहे हैं उसको बाजरे को। राशन कितनी बार मिल रहा है? महीने में एक बार मिलता है जी। सरकार जैसे देती है ऐसी बांटे हैं ये। इस बार तो दो बार के लिए बोला है। हाँ, दो बार के आया होगा। आप सभी ने सुना कि यहाँ पे किस तरीके से राशन वितरित किया जा रहा है। यदि आपको किसी भी नगर परिषद, वार्ड या कहीं से कोई भी परेशानी है तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। तेल की क्या वजह? तेल की बहुत महंगी है यार, तेल ही नहीं मिल रही। क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे? तेल को जरूर करवाओ जी, तेल, दाल, ये तो जरूरी होना चाहिए जी। भाइयों भी सब बंद करवा दो। अब तेल पे इतनी महंगाई है जी, और तेल ही गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। बताओ, 220 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है तेल, और तेल तो हर घर में चाहिए ही चाहिए। ये तो जरूरी है, और तेल ही बंद कर दिया। बताओ, तेल दाल जरूरी है। जी, देख सकते हैं आप यहाँ किस तरीके से डिपो होल्डर यहाँ राशन वितरित कर रहे हैं। बाल बीती तो हो गया।